हाय एवरीवन, पिछले हफ्ते में हमने जितना करंट अफेयर पढ़ा है उसे आज टेस्ट करने का समय है। इस वीडियो में हम उन्हीं करंट अफेयर में से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर का शेड्यूल और ये हमारे जीएस की लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की क्लासेस चलती हैं, 6 से 8 बजे तक यूपीएससी की क्लासेस, और 12 से 1 के बीच में आपको करंट अफेयर के वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में या किन राज्यों में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश, दूसरा है केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीसरा है केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, चौथा है केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपके पास समय है 20 सेकंड। आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है। उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उत्तर सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये आपको एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ये आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। जितने भी आंसर के डिटेल्ड वीडियो हैं वो आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोजी गई प्रजाति सिडोमोग्रास सुधी संबंधित है, यह किससे संबंधित है? सिडोमोग्रास सुधी किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से, घास से, मकड़ी की प्रजाति से या शैवाल की प्रजाति से? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सिडोमोग्रास सुधी किससे संबंधित है? ये अभी हाल ही में खोजी गई प्रजाति है, यह किससे संबंधित है? किसी बैक्टीरिया की प्रजाति से, घास की प्रजाति से, मकड़ी की प्रजाति से या शैवाल की प्रजाति से? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उत्तर सा, सिडोमोग्रास सुधी एक मकड़ी की प्रजाति से संबंधित है जिसे हाल ही में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल रोधी कानून से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय लगेगा, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई निर्दलीय सदस्य अपने चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो उसकी सदन से सदस्यता निरस्त नहीं होगी, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। दूसरा है, यह कानून लोकसभा और राज्यसभा के सभापति पर लागू नहीं होता है। तीसरा है, यदि सदस्य दल द्वारा जारी व्हिप के विपरीत मतदान करता है और संबंधित दल उसे 15 दिनों के भीतर क्षमा कर देता है तो उस सदस्य की सदस्यता निरस्त नहीं होगी। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? एक और ऑप्शन है, सॉरी, दल बदल रोधी कानून संविधान के 10वें अनुच्छेद से संबंधित है। संविधान के 10वें अनुच्छेद से संबंधित है। इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं, इसका आप जवाब दीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर सा, केवल 2 और 3। यह कानून लोकसभा और राज्यसभा के सभापति पर लागू नहीं होता, यह कथन सत्य है। और तीसरा, यदि सदस्य द्वारा जारी व्हिप के विपरीत मतदान करता है सदस्य तो 15 दिनों के भीतर उसे पार्टी क्षमा कर देती है तो उसकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। आप इसमें देखिए, दल बदल रोधी कानून संविधान के 10वें अनुच्छेद से संबंधित है, यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह संविधान एक तो दल बदल रोधी कानून का मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
और यह 10वां अनुच्छेद नहीं है, 10वीं अनुसूची है। और पहला क्यों गलत है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य अपने चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो उसकी सदन से सदस्यता निरस्त नहीं होगी। यह निर्दलीय सदस्य के लिए नहीं है, यह जो कंडीशन है यह दी गई है मनोनीत सदस्य के लिए, मनोनीत सदस्य के लिए। निर्दलीय सदस्य चाहे 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ले या 6 महीने बाद किसी पार्टी की सदस्यता ले, निर्दलीय सदस्य की सदस्यता रद्द हो ही जाएगी, उस पर दल बदल रोधी कानून लागू होगा ही। इसे आप आई बटन पे क्लिक करके इसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित नालसा जजमेंट NLSA नालसा जजमेंट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ट्रांसजेंडरों के मूल अधिकारों से, दूसरा पोक्सो एक्ट से, तीसरा दहेज रोधी कानून से, और चौथा केंद्र राज्य GST विवाद से। आपके पास इसे सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड है। ओके, आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। नालसा जजमेंट ये संबंधित है ट्रांसजेंडरों के मूल अधिकारों से। इसका उत्तर है आ, ट्रांसजेंडरों के मूल अधिकारों से, ना कि पॉक्सो से भी नहीं है, दहेज रोधी कानून से भी नहीं है, और GST विवाद से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में था हर्मिट, हर्मिट क्या है? एक स्पाईवेयर है, यह पौधों में जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार एक हार्मोन है, यह DRDO द्वारा निर्मित नाइट विजन कैमरा है, यह रूस द्वारा निर्मित एक क्वांटम कंप्यूटर का नाम है। आप इसको मार्क करिए, हर्मिट क्या है? आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर है। हर्मिट एक स्पाईवेयर है। इसका आंसर है आ, हर्मिट एक स्पाईवेयर है। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने इसमें आई बटन में पिन कर दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माइका का संबंध है, ये अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा माइका MICA का संबंध है, शेयर बाजार से, क्रिप्टो करेंसी उद्योग से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, या RBI से? माइका का संबंध इनमें से किससे है, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी उद्योग, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या RBI से? आपने इसे मार्क कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, उत्तर बा, माइका का संबंध क्रिप्टो करेंसी उद्योग से। ये अभी चर्चा में था, यूरोपियन यूनियन द्वारा क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, विनियम बनाए गए हैं, उन्हीं को ही माइका कहा जाता है। इसका भी वीडियो आपको आई बटन पे पिन कर दिया गया है। दल खाई लोक नेत्र किस राज्य से संबंधित है? ये आप लोगों को पता ही होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। असम से, बिहार से, सिक्किम, या उड़ीसा? दलखाई लोक नृत्य इनमें से किससे संबंधित है? आइए इसका आंसर देखते हैं। दलखाई लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। इसका आंसर है द, दलखाई लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। आपको सही जोड़ी मिलाना है, सुमेलित करना है, कौन इसमें ये बताना है कि कौन सा सही है, इसमें सही कूट का चयन करना है। ये वाद्य यंत्र एक साइड लिखे हुए हैं, एक साइड उनसे संबंधित राज्य, ये वाद्य यंत्र किन राज्यों में बजाए जाते हैं? कमायचा अरुणाचल प्रदेश, खोल पश्चिम बंगाल, रावणहत्था राजस्थान, इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कमायचा अरुणाचल प्रदेश, खोल पश्चिम बंगाल, रावणहत्था राजस्थान, इनमें से सही सुमेलित आपको चूज करना। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर है तरसा। केवल दो और तीन सही सुमेलित हैं। होल का संबंध राजस्थान से है और रावण हत्था का संबंध भी राजस्थान से है। कमायचा वाद्य यंत्र का संबंध, कमायचा वाद्य यंत्र का संबंध भी राजस्थान से है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से। इसे आप आर्ट कल्चर के वीडियो में देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या बर्लिन? इनमें से आप सही उत्तर मार्क करिए। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आ, लंदन। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय लंदन में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं? कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं? पहला ऑप्शन है रूस, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तीसरा है रूस, यूक्रेन, अजरबैजान। चौथा है रूस, अजरबैजान और ईरान। आप वीडियो पॉज करके इसको सही आंसर इसमें मार्क करिए। पहला रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान, रूस, यूक्रेन और अजरबैजान, रूस, अजरबैजान और ईरान। इनमें से सही उत्तर आपको चूज करना है। उम्मीद करता हूँ आपने सही उत्तर मार्क कर लिया होगा। आइए हम देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आंसर डी, रूस, अजरबैजान और ईरान। कैस्पियन सी से, ये कैस्पियन सी है, यहाँ साइड, इधर साइड इस रूस की बाउंड्री लगती है, इधर से अजरबैजान की बाउंड्री लगती है और यहाँ से जॉर्जिया है और यहाँ से ईरान की बाउंड्री लगती है, फिर इधर उज्बेकिस्तान की बाउंड्री लगती है, तुज्बेकिस्तान की बाउंड्री लगती है, फिर इधर इधर भी तुर्कमेनिस्तान का ही रहता है और इधर कजाकिस्तान का बाउंड्री लगती है। रूस, अजरबैजान, ईरान और ये है आपका तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। यदि आपको ये एमसीक्यू सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगा तो दो बार डिसलाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।